हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सूर्या फंडामेंटल स्टडी में। आज मैं आपके सामने रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2021 3 मार्च का जो पहला शिफ्ट है उनका 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर होगा उत्तराखंड। दूसरा प्रश्न है, पंचमहल का स्थापक का क्या नाम था? आंसर होगा फतेहपुर सिकरी में स्थित है। पंचमहल है वो फतेहपुर सिकरी में स्थित है। इसका निर्माण किसने किया था? अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। वाई आई एम हिंदू बुक के लेखक कौन है? आंसर होगा इसका शशि थरूर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत रत्न 2020 में किसे नहीं दिया गया था? तो मैं आपको बता देता हूँ किसे किसे दिया गया था। भारत रत्न नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को दिया गया था। अगर इससे कोई अलग नाम हो तो वो अगर आप उस पर टिक करके आए हैं तो आपका सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न है हमारा, एनिमल में टिश्यू कौन सा नहीं पाया जाता है? तो ये सब टिश्यू पाए जाते हैं जो मैं आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ये 4 टिश्यू पाए जाते हैं। अगर आप इससे मतलब अलग हो, कोई टिश्यू नाम दिया गया हो तो वो नहीं पाता। छठवां प्रश्न है हमारे सामने, बाटानी के जनक कौन थे? आंसर होगा थियोफ्रेस्ट। कौन थे? थियोफ्रेस्ट थे। बाटानी के जो जनक थे वो थियोफ्रेस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं मैं वो बता देता हूँ। कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, ये सब हैं। तो अगर आप इसमें जो अलग हो इससे वो लगा कर आए हैं, वो टिक करके आए, तो वो आपका सही आंसर। आठवां प्रश्न है, मलेरिया मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है? उसका आंसर होगा 2030 तक। कब तक रखा गया है? 2030 तक रखा गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका आंसर होगा मुंबई। कहाँ है आरबीआई का हेडक्वार्टर? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोकसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में हुआ? आंसर होगा 7 चरणों में। कितने चरणों में? 7 चरणों में। क्वेश्चन नंबर 11 है, यूनाइटेड नेशन का सबसे पहले किसने दिया? यूनाइटेड नेशन जो नाम है उसका वो किसने सबसे पहले दिया था? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उन्होंने दिया था ये नाम। उसके बाद 12वां प्रश्न है, चरी नृत्य किस राज्य का है? तो वो आंसर होगा राजस्थान। किस राज्य का है? राजस्थान राज्य का। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने, भारत में इकोनॉमिक में नोबेल पुरस्कार किसको मिला? आंसर होगा अभिजीत बनर्जी को। वर्ष 2019 में मिला था। किसे? अभिजीत बनर्जी को मिला। दो हजार उन्नीस में मिला था। प्रश्न संख्या 14 है हमारे सामने, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने, 11वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का रेट क्या है? आंसर होगा इसका 8% टू 10%। जो जीडीपी है उसका रेट 8% से लेकर 10%। 16वां प्रश्न है, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। 17वां प्रश्न, उज्जैन का कुंभ मेला कब लगेगा? तो इसका आंसर होगा 2028 में। कब लगेगा? 2028 में। 18वां प्रश्न, सार्क में कितने देश हैं? सार्क में कितने देश हैं? तो 8 हो गए हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। ये हैं 8 8 देश जो सार्क में आते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 19 है, असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने किस कांड के कारण इसका स्थगित कर दिया था? असहयोग जो आंदोलन है उसे महात्मा गांधी ने अचानक स्थगित कर दिया था क्योंकि चोरा चोरी कांड के कारण। किसे? चोरा कांड के कारण उन्होंने इसे क्या रोक दिया और स्थगित कर दिया। या क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सामने, सर्वप्रथम राष्ट्रगान कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर को गाया गया था सबसे पहले, ये कोलकाता में गाया गया था। उसका प्रश्न संख्या 21 है, सिजदा परंपरा किसने शुरू की? इसका आंसर होगा सुल्तान बलबन ने। किसने शुरू की? सुल्तान बलबन ने। 22वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में गुर्दे यानी किडनी जो
का भार कितना होता है? इसका आंसर होगा 150 से लेकर 150 से लेकर 170 ग्राम तक होना चाहिए, होता है। प्रश्न संख्या 24 हमारे सामने। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था इसका स्थापना। क्वेश्चन नंबर 25 और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, तो संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। क्या? 1946 में हुआ था संविधान सभा का प्रथम बैठक जो हुआ था वो 1946 में हुआ था, आपको ये याद रख लेना है। तो हो गए 25 प्रश्न। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर दिन के वीडियो और शिफ्ट में बनाता रहूँगा और आपको सेंड करता रहूँगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।